शरीर हाथ पकड़ के थोड़ा कोई ले जाला मिल हाँ, हाँ। कि बाई पकड़ ले चल के गुरु पकड़ ले चला के चलो भगवान से मिलने जाना। चलो भगवान जी फलानवा जगह रह रहे हैं वहाँ चल के मिलवा देते हैं। मैं तुमको मिलवाऊंगा मतलब तो ये हो गया कि चेला को पकड़ के गुरु मिलवाने जाएंगे। तो ये मिलवाने वाला काम तो ऐसा होता नहीं है। 1 करोड़ चेला होगा तो कैसे कैसे पकड़ पकड़ के मिलवाएंगे। गुरु जब निकल जाना वहाँ तो गुरु जी ना घर से ऐसी गाड़ी से चलाना 30 लाख की गाड़ी से चलाना। आ चेला पीछे चेला बैठी है अगली बगल में एक ठे होम करे वाला चेला एक ठे झोला ढो वाला चेला एगो बाणी थमाई। जब तक मूर्ख चेले होंगे तब तक धूर्त गुरु भी होंगे ये जान लीजिए। अरे उनके बाणी थमा वाला जहाँ जाए के बाण भी मान लें जहाँ मूर्ति लगल बाण उनके दुई पीढ़ी का प्रताप फैल देव जी या कोई केकर केकर मूर्ति लगल बाण सो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलत बा। तो वो मर गए तो फिर दूसर उनके लड़का बाण वो हो गए उत्तराधिकारी वैसे 3 पीढ़ी का लगल बा तो जाग माना प्रताप फैल देव जी तो वो लोग माला दो तरीका का चल रहा है। मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ। दो तरीका का जो धंधा चल रहा है एक तरीका का धंधा हुआ है जिसमें कि वो गुरु जो है खुद मूर्ख बना रहा है समझ रहे हैं। वो खुद ही इतना धूर्त है हाँ इतना पखंड फैला लिया है कर्मकांड फैला दिया कि वो स्वयं ही मूर्ख बना रहा है और लाखों लाखों उसके वो बने हुए। एक तो यह हो गया। दूसरा हो गया कि वह तो गुरु तो सीधा है समझ रहे हैं और वो पता नहीं वो गुरु भी है कि नहीं है ये भी है। अब इसमें 2 कैटेगरी मान लीजिए एक तो सीधा और एक है कि उसको पता ही नहीं है कुछ भी मूर्ख है मतलब है पागल टाइप का है। अब उसके उसके पीछे जो लोग हैं जी वो उस पागल को आगे बढ़ा करके और उसी को दिखा के यही सच्चे गुरु हैं और वो पागल वो लूट रहे हैं किसी को बना करके हाँ काठ का उल्लू काठ का उल्लू बना करके माटी की मूरत हाँ जिसको कुछ नहीं जिसको बोलिए कुछ तो बोलेगा कुछ हाँ उटपटांग बोलेगा जो जिसको कुछ न ज्ञान है हाँ तो उसको आगे बढ़ा देते हैं उसको दिखा देते हैं और उसको जो है हाँ उसका कमेटी बनी हुई है कमेटी लोग लूट रहे हैं खा रहे हैं उसके पास उसका कॉपीराइट होगा उसको जहाँ चाहते हैं वहाँ उठा उठा के ले जाएंगे वहाँ से धन बटरवाएंगे जी। एक यह भी है और एक है कि वास्तव में बेचारा वास्तविक गुरु है वह लेकिन वो सीधा है हाँ वो इसको इतना छल प्रपंच नहीं मालूम है तो उसके कमेटी वाले उसके नाम पर लूट रहे तो ये धंधा चल रहा है। धंधा चल बहुत बढ़िया बहुत तगड़ा धंधा चल रहा है बहुत तगड़ा धंधा चल रहा है। भेंट करने वालों से रुपया ले ले रहा है कि गुरु जी निकल रहा है हार जाइए रास्ता छोड़िए हाँ गुरु जी आने वाले हैं गुरु जी आने वाले हैं। अगर भेंट करना है तो इतना रुपया दीजिए जैसे कि कार्यालय में सब लेते चौकीदार सब DM से मिलने के लिए वहाँ जाने नहीं देखा गेट लगा चारों तरफ से हम लोग बैठे हैं ना ऐसे घेरे में आ गुरु जी खटिया पर इसी तरह से आसन लगा के बैठे हैं अब गुरु जी के आए गोड़ गोड़ पर के और रुपया धो के चल जाए और गेटे पर चप्पल बाबू जी हट आपको नहीं जाना है। अच्छा तो उन्हें कोई 150-100 रुपया दे दिल दान दे दिल अच्छा जाओ ठीक है हमसे एक मेरे कहते ये भैया 100 रुपया मांगा था तुमने ना रहे तो लम्हो से हम गुरु जी को गोड़ धरे यहाँ पे ठीक है जी तो लम्हो से गुरु जी का दर्शन हो लगा हम कहीं एकदम हो गए कि अब तो बहुत दूर रह गए हम क्योंकि उसमें ज्ञान बांटने वाले भी हैं वो चेला नियुक्त किए हैं सबको अधिकार नहीं है जैसे ज्ञान देने का ज्ञान लिए हैं कि नहीं लिए हैं ज्ञान अच्छा कि नहीं नहीं ज्ञान तो ना ले रहे हैं तो हमू इधर लड़बन बन गए भाई झूठ थोड़ा बोला हम ज्ञान ना ले रहे हैं तो हम कहीं बहुत दिन से चले ज्ञान ले भाई इतना दिन रहने साल 1.5 साल में नौकरी करें लेकिन ज्ञान कोई दे ही नहीं पूरा हम पीछे पीछे घूमे इंजीनियर साहब के पीछे सुन ज्ञान देना वो ना दे पाऊंगा उनके संगे गए नहीं बोले कि ना कहाँ काम और कहाँ अकेले तो क्या ज्ञान दें चार 5 लोग भी हैं तब दे चलिए आगे गए मोटरसाइकिल पर कहना विद्यार्थी अगर कोई हम जा कोई बोले ज्ञान तो के दे दे आई ना आनी पानी जोर से आए ज्ञान ज्ञान कोई भौतिक वस्तु है क्या कि लेन देन होगा
ज्ञान लिया जाता है, दिया जाता है। सुनी ने अच्छा ये भी जानना चले वो दोनों कहने की योग बैठक के बता के देखिए कौन उसे कहा फायदा होता है। आप बता से एक तो ये तो पैर ऐसे गुदा द्वार पर रखे, एक ऊपर से रखे ऐसे सीधा सामने हो।